मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में चुनाव आयोग और प्रशासन भी अपनी तैयारियां पुख्ता कर चुका है। चुनाव आयोग ने अंतिम मतदाता सूची भी जारी कर दी है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी है। परासिया में एसडीएम पुष्पेंद्र निगम ने विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बताया कि सभी 245 मतदान केंद्रों में मतदान सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है। परासिया तहसील में कुल मतदाता की संख्या लगभग 2,19,000 है। पुष्पेंद्र निगम ने बताया कि इस बार विधानसभा चुनाव में दिव्यांग मतदाता और 80 साल की उम्र पार कर चुके बुजुर्ग मतदाताओं को घर से वोट करने की सुविधा मिलेगी। सभी 245 मतदान केंद्रों पर उसका अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है और अंतिम प्रकाशन के साथ साथ जो मतदान केंद्रों पर छोटी मोटी मतदाता सूची में त्रुटियां थी उनके संशोधन के लिए भी प्रारूप 6, 7, 8 बहुत हल्की और बहुत छोटी छोटी त्रुटियां हैं उनके संशोधन का भी प्रयास किया जा रहा है। कुल मतदाताओं की संख्या 2,19,000 के लगभग है और हमारा लगभग 994 का जेंडर रेशियो है और लगभग 63% का एथनिक रेशियो है। पुलिस अनुविभागीय अधिकारी जितेंद्र जाट ने असामाजिक तत्वों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि व्हाट्सएप या अन्य किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में भ्रामक या फेक खबर फैलाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फेक खबर फैलाने वाले शख्स और ग्रुप एडमिन दोनों को पुलिस अच्छा सबक सिखाएगी। आपको दृष्टिगत रखते हुए सोशल मीडिया एवं जो न्यूज़ चैनल हैं उनसे कुछ आवश्यक जो निर्देश हैं वो दिए गए हैं, जिनमें कोई भी जो न्यूज़ हो उसको पब्लिश करने के पहले एक बार उसकी ऑथेंटिसिटी चेक कर ली जाए एवं जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उनमें देख लिया जाए, जो एडमिन्स हैं वो उनकी जिम्मेदारी इसमें तय की जाएगी। यदि कोई फेक न्यूज़ या कोई चीज़ जो सही नहीं है जिसको प्रसारित किया जाता है और जिसकी वजह से यदि कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित होती है तो जो न्यूज़ है जो फॉरवर्ड करने वाली अथॉरिटी और जो एडमिन्स हैं उनके ऊपर वैधानिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।